नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बातचीत करेंगे स्टॉक मार्केट की कल की रणनीतियों के ऊपर। बातचीत करने के पहले हमने आज के लिए क्या रणनीतियां बनाई थी, क्या निफ्टी के बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए थे, कौन से स्टॉक्स हमारी होल्डिंग पर थे, कौन से स्टॉक्स में आज बाय सेल रिकमेंड किया था, कहां पर एग्जीक्यूशन हुआ, कहां पर प्रॉफिट हुआ, कहां पर लॉस हुआ, सब की बातचीत करेंगे एकदम छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टॉक स्पेसिफिक की, फिर बात करूंगा निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस की, और लास्ट में बात करूंगा कि मैजिकल फिगर्स क्या आ रहे हैं। मैजिकल फिगर्स होते क्या हैं? मैजिकल फिगर्स हमारे ऐसे फिगर्स होते हैं जिसके ऊपर चलने पर बाजार होता है तेज, जिसके नीचे चलने पर बाजार होता है मंदा। तो मैजिकल फिगर के आधार पर हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि बाजार ऊपर की गति में जाने वाला है या फिर नीचे की गति में जाने वाला है। आज का डिस्कशन बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि निफ्टी का मैजिकल फिगर नीचे है और बैंक निफ्टी का मैजिकल फिगर ऊपर है, और कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जब जब पिछले 1.5 साल से आप लोगों को ये मैजिकल फिगर अपडेट्स कर रहा हूं, जब जब ऐसा हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैजिकल फिगर्स में बदलाव रहे हैं, बदलाव इन द सेंस एक ऊपर एक नीचे इस टाइप का मार्केट रहा है, तब तक बाजार ने परेशान किया है और कुछ समय परेशान होने के बाद बहुत बड़ी रैली दी है। तो अब हमें उस रैली का इंतजार करना है। चलिए सब चीजों की बातचीत करेंगे। अच्छा, एक और चीज, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश इसीलिए हूँ क्योंकि सैटरडे के दिन आप लोगों के समक्ष एक स्टॉक मार्केट में एक हमारे यूट्यूब देखने वाले दर्शक हैं, अपने परिवार का हिस्सा हैं, अचिन मित्तल जी, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। आज उनका इंटरव्यू हुआ, उनका इंटरव्यू देख मैं आप लोगों से बड़े प्यार से बड़े दिल से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस इंटरव्यू को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो मेरे पेड मेंबर नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक ही मंथ पेड प्लान लिया था, और लेकिन वो फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर में से एक हैं। तब से वो अब तक जुड़े हुए हैं और उनका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और उनका फीडबैक इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि उनके फीडबैक से आप लोग उनके वीडियो, उनके रिव्यू, उनके स्टाइल ऑफ वर्क पैटर्न जो उन्होंने शेयर किया है, उसके हिसाब से आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को कम से कम जो मार्केट से डर बना हुआ है वो डर निकलेगा। हमारा एक ही मकसद था इस मार्केट से निगेटिविटी हटाना, एक नहीं बहुत सारे मकसद हैं, सॉरी टू से दैट, बहुत सारे मकसद हैं मार्केट से। उसमें से एक मकसद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट था इनिशियल डेज में, कि मार्केट से निगेटिविटी हटाने के लिए हम ये चैनल लॉन्च किए थे। और ये हमारा सोचना था कि अगर एक बंदे का भी घर का पैसा, गाड़ी, मेहनत की कमाई को बचा दिया जाए और एक बंदे को भी सक्सेसफुल बना दिया जाए तो हम अपने इस चैनल को साकार मानेंगे। और फाइनली उन्होंने अपने इंटरव्यू में साबित कर दिया कि हम उस बंदे को, या फिर अभी ऐसे तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे, ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स भी होंगे जो इंटेलिसिस का बहुत 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 लाभ उठा रहे हैं, और उन लोगों से भी निवेदन है जिन लोगों ने इंटेलिसिस के सहारे एक अच्छा खासा पैसा बनाया है, प्रॉफिट में है, या फिर बहुत सारी चीजें सीखने मिली है, वो भी कस्टमर केयर से संपर्क करें और अपना इंटरव्यू शेड्यूल करवाएं, ताकि और भी जो दूसरे लोग सक्सेस नहीं पा रहे हैं उन लोगों को हेल्प मिले। चलिए पहले बात करूंगा स्टॉक स्पेसिफिक की। आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश होने की दो वजह, क्योंकि आज हमने करीब 5%, और अगर टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल या फिर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो उसमें हमने 4.25% के आसपास कैपिटलाइज किया है। दूसरी वजह, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अचिन मित्तल जी का इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू को मैंने 2 बार देखा और दोनों बार मेरे आंखों से पानी निकल गए। क्यों? क्योंकि ऐसी तारीफ वर्बली कमेंट्स में तो बहुत तारीफें आती है आप लोगों की, बहुत अप्रिशिएशन आता है, लेकिन ऐसे फेस टू फेस में किसी ने इतने अच्छे से अपने शब्दों को रखा और इतने अच्छे से इंटेलिसिस को डिफाइन किया कि वो सब सुन के एकदम खुशी के आंसू निकल पड़े थे। तो चलिए खैर बात करेंगे आज स्टॉक स्पेसिफिक। हमारे पास होल्डिंग पर क्या था? टाटा स्टील होल्ड पर था, डॉक्टर रेड्डी होल्ड पर था और बजाज फाइनेंस होल्ड पे था। 1244 रुपए के आसपास टाटा स्टील बाय था, 1272 रुपए के आसपास इसका प्रॉफिट बुक कराया। अगर आप में से कोई पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो कृपया करके जुड़ जाइए। आप लोगों को करना सिर्फ इतना है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब फालतू की चीजें जहां से पैसा नहीं बनता उसको इंस्टॉल किया है, उसी तरह से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग टाइप करना है, कोष्टक में लिखा हुआ है जख्मी ट्रेडर्स का अस्पताल, और ज्वाइन का बटन दबाना है। करीब 2% के आसपास टाटा स्टील से कैपिटलाइज किया। दूसरा, डॉक्टर रेड्डी हमारे होल्ड पर था। 20 तारीख के सारे स्टॉक्स थे, 5340 का बाय था, 5375 के आसपास इसका प्रॉफिट बुक करवाया, तो यहाँ पर करीब करीब
0.66% का मुनाफा हुआ, तो 2% के आसपास यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी में 0.66%, तो करीब करीब 2.5% 2.5% के आसपास इन दो स्टॉक से निकाला। तीसरा स्टॉक था बजाज फिंसर, बजाज फिंसर को 12,540 में बाय करवाया था, 12,875 में इसका प्रॉफिट बुक कराया, करीब करीब 0.3% यहाँ पर कैपिटलाइज किए, तो आप लोगों ने 2.5% यानी टोटल 5.5% यहाँ पर कैपिटलाइज किए। चूंकि हमारे पास 3 स्टॉक होल्डिंग पर थे, हमारी 4 की कैपेसिटी होती है, तो टोटल रिटर्न को, टोटल परसेंटेज ऑफ रिटर्न को 4 भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया, पहले 4 भागों में बांटा इनटू 3 कर दिया, तो 3.75% के आसपास रिटर्न आता है सिर्फ एक दिन के टाइम फ्रेम में। इन्हें 20 तारीख को पोजिशन उठाई थी और आज 22 तारीख को स्क्वायर अप कर दी, 3 दिन में यही रिटर्न आप लोगों को पूरे साल भर में एफडी में मिलता है, और 4% के आसपास साल भर में नहीं, सॉरी, सेविंग अकाउंट से मिलता है और इससे दुगना पकड़ लेते हैं एफडी में मिलता है, जो कि हमने सिर्फ 2 दिनों के अंदर कैपिटलाइज किया है। आज हमारी रिकमेंडेशन थी एचडीएफसी बैंक को बाय करना था 3435 में, 1435 में 1445 का है, लो पोस्ट की एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। विप्रो को बाय करने का था 559 के आसपास, 571 का लो पोस्ट हुआ, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। एसबीआई को बाय करने का था 418 रुपये के आसपास, 420 रुपये 90 पैसे का इसने लो पोस्ट किया, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। आईसीआईसी बैंक को बाय करना था 639.50 के आसपास, 648.30 के आसपास लो पोस्ट का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। अब बात करेंगे कल के लिए कौन से स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री, अभी हमारे पास होल्डिंग पर अब कुछ भी नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्री को बाय करेंगे 2109-2116 की रेंज में, 2092 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 2152 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। दूसरा स्टॉक होगा हमारा एचडीएफसी बैंक, 1433-1437 के आसपास बाय करेंगे, 1429.90 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस, 1470 का टारगेट। तीसरा स्टॉक होगा हमारा अल्ट्रा सेम को, 7170-7210 के आसपास बाय करेंगे, 7149 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस, 7600 तक के टारगेट। चौथा स्टॉक होगा हमारा मारुति, अच्छा अल्ट्रा सेम को, अल्ट्रा सेमको का मैंने अभी कुछ 4-8 दिन पहले एक थंबनेल बनाया था जिसमें लिखा हुआ था क्या अल्ट्रा सेमको करेगा आउट परफॉर्म, और देखिए आज रेट 7200-7300 रुपये के हो चुके हैं, 6800 से 400 रुपये के आसपास बढ़त ऑलरेडी बना चुका है, इसमें और भी पोटेंशियल है 7600 तक का। चौथा स्टॉक होगा हमारा मारुति, मारुति को बाय करेंगे 7226-7250 के आसपास, 7099 का स्टॉप लॉस, 7450 तक के टारगेट। ये हुई हमारी स्टॉक स्पेसिफिक की रणनीति। अब बात करेंगे इंडेक्स की, 15710 का रेजिस्टेंस लिया था, जब आप लोगों को पता है कि अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर खुल जाए तो ये इसके लिए सपोर्ट बन जाता है, 14710 का सपोर्ट बन चुका था, 15700 का इसने लो पोस्ट किया है, 15840 का रेजिस्टेंस लिया था, 15828 का इसने हाई पोस्ट किया है, 15816 का इसकी क्लोजिंग आई है। कल के लिए इसके सपोर्ट नजर आ रहे हैं 15730-15692, रेजिस्टेंस 15840 और 15875, 15875 को क्रॉस करता है तो 15915 तक आ सकता है, और 15915 को क्रॉस करता है तो आसमान खुल जाएगा, लेकिन चांसेस अभी एकदम से कम लगते हैं। मैजिकल फिगर लास्ट में डिस्कस करूंगा। बात करूंगा बैंक निफ्टी की, 34270 का सपोर्ट लिया था, 34850 और 35160 का मैजिकल फिगर था, आज इसका हाई देखिए 35049, मैजिकल फिगर को ब्रेक नहीं कर पाया। लोअर साइड में इसने लो पोस्ट किया 34600 के आसपास का, 34270 का सपोर्ट लिया था, तो खैर बाजार सपोर्ट लेवल तक नहीं आ पाए। कल के लिए इसके सपोर्ट होंगे 34635 और 34370, रेजिस्टेंस 34900 और 35500। बात करेंगे मैजिकल फिगर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इस मैजिकल फिगर के आधार पर आप लोग बाजार की रूपरेखा कहाँ चल सकता है, कितना चल सकता है, क्यों चल सकता है, ये सब मैजिकल फिगर डिफाइन करता है। मैजिकल फिगर निफ्टी के लिए था, अच्छा आज मैं एक चेतावनी भी देना चाहूंगा, चेतावनी तो इनडायरेक्टली आप लोगों को पहले ही दे चुका हूं, जब बैंक निफ्टी और निफ्टी के मैजिकल फिगर में मिसपैरिटी हो रही है और नॉन ट्रेंडिंग बाजार हो रहा है, एक ट्रेंडिंग हो रहा है एक नॉन ट्रेंडिंग हो रहा है, तो एक बड़ा मूवमेंट आने की अपेक्षा होती है। 15755 का मैजिकल फिगर आज के लिए था निफ्टी का, वो मैजिकल फिगर हो चुका है 15766 का। मैजिकल फिगर के नीचे चलेगा तो होगा मंदा, मैजिकल फिगर के ऊपर चलेगा तो होगा तेज, लेकिन मैजिकल फिगर के नीचे भी चले तो ऐसा लगता है सस्टेन नहीं कर पाएगा बाजार, और ओवरऑल जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक अचानक से सडन फॉल आएगा तो करीब करीब 400 पॉइंट का आया और यही अपेक्षा थी और वहां से पलटी मार गया। बैंक निफ्टी का मैजिकल फिगर 35160 का था, वो मैजिकल फिगर एज इट इज है, 35160 का मैजिकल फिगर के अच्छा क्लोजिंग आई है इसकी 34724 की, यानी मैजिकल फिगर से करीब करीब 500 पॉइंट नीचे है और निफ्टी मैजिकल फिगर से करीब करीब 50 पॉइंट ऊपर है, तो जब अब ये यहाँ पर एडजस्टमेंट होंगे और जब एडजस्टमेंट पूरे हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्टेड है, और मुझे स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब
16,000 को पार कर देगा, लेकिन हो सकता है उसके पहले थोड़ा डामाडोल सिचुएशन हो, थोड़े गड्ढे आए, थोड़े स्पीड ब्रेकर आए, थोड़े हम्प लगे, थोड़े करेक्शन आए, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए, ये सब चलता रहेगा, लेकिन बहुत जल्दी ही 16,000 को ब्रेकआउट कर देगा बाजार और बहुत बढ़िया हो सकता है मेरे 17,236 के टारगेट भी लग जाए, जो कि मैंने 12 महीने पहले आप लोगों को बताए थे। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जाते जाते प्यार मोहब्बत भरा लाइक का बटन जरूर दबाइए। अगर एक चीज भी पसंद आती है आप लोगों को वीडियो में तो उसके खातिर एक लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जिन्होंने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई इस बाजार में खोई हुई है और जो मार्केट से निगेटिव बैठे हुए हैं, उनको अपन सिखाएंगे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और बताएंगे कायदा, कायदे से होगा फायदा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सोशल मीडिया की लिंक होती है, स्पेशली पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइए ताकि आपके और मेरे बीच की कनेक्टिविटी बनी रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ कंपनियों के अकाउंट ओपनिंग के लिंक होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप चाहें तो उन्हें क्लिक करके अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेरी बताई हुई रणनीतियों को और पा सकते हैं कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। उसके लिए आपको इंटेलिसिस के कस्टमर केयर में संपर्क करना होगा। ऊपर आई बटन में हमारे पुराने पास वीडियोस के लिंक होते हैं, उन्हें भी देखिए ताकि आप लोगों को मार्केट की साइकोलॉजी समझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।